प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार और बिजली विभाग की मनमानी को लेकर कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली कांग्रेस ने भी पड़ाव चौक पर धरना प्रदर्शन कर सरकार बिजली विभाग पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं थी, दिन भर लाइट रहती थी, लेकिन जब से साय सरकार आई है पूरी जनता बिजली कटौती से परेशान है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार समस्त ब्लॉक में किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बिजली की लगातार बेतहाशा वृद्धि और बिजली की अघोषित कटौती विरोध में रखा गया है। इस सिलसिले में आज शहर कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मुंगेली जिला मुख्यालय में यह धरना प्रदर्शन रखा गया है। अभी वर्तमान में सरकार मनमाने तरीके से 8.35% की वृद्धि प्रति 20 पैसे यूनिट की तौर से यह वृद्धि की है और किसानों के पंप में 25% प्रति यूनिट की तौर से वृद्धि की गई है और लगातार मनमाने तरीके से यहाँ के अधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा कोई अंकुश नहीं है। यह समस्या आम जन समस्या है, इसके विरोध में आज समस्त कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसके पश्चात हम सभी लोग बिजली ऑफिस जाकर वहाँ पे ज्ञापन देंगे संबंधित अधिकारी को और उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे। प्रदेश कांग्रेस